मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से जुटे होंगे। आपकी तैयारी को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023 अंक से संकृत नवीनतम सामान्य ज्ञान लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी अवश्य करें और अपनी तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को शेयर भी करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। और मैं जो आप तक नवीनतम समान ज्ञान पहुँचा पा रहा हूँ इसके लिए मैं प्रतिभा दर्पण पत्रिका का अनेक अनेक आभार व्यक्त करता हूँ, इनकी पूरी टीम का, इनके पूरे सिस्टम का अनेक अनेक आभार व्यक्त करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहता हूँ कि आप जब मेरे वीडियो को पूरी तरह से देख लें तो एक बार आप नवीनतम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दर्पण का जो फास्ट रिव्यू है वो कर लें, जिससे जो इससे संबंधित तथ्य है वो आपको अच्छी तरह से आत्मसात हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान और शुरुआत करते हैं शब्द संक्षेप से, एब्रिविएशन से। पहला एब्रिविएशन है UCC, फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो यह है, विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता आदि मामलों में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए अलग अलग नियम कानूनों के स्थान पर सभी के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात समय समय पर उठती रही है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एब्रिविएशन है HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी व्याख्या करें तो स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग में प्रत्येक आभूषण को यह 6 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक कोड दिया जाता है। 6 डिजिट के इस कोड में अक्षर व अंक दोनों ही होते हैं। यह प्रत्येक आभूषण के लिए अलग अलग आवंटित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कुछ नियुक्तियों की ओर, अपॉइंटमेंट्स। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर माइकल देवव्रत पात्रा की फिर से नियुक्ति। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा को इस पद पर एक वर्ष के लिए फिर से नियुक्त सरकार ने जनवरी 2023 में किया है। पूर्व वर्षों में रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक रहे डॉक्टर देवव्रत पात्रा को जनवरी 2020 में 3 वर्ष के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति से वह अब जनवरी 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के चार पद होते हैं और बैंक में कार्यरत 3 अन्य डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन तथा टी रविशंकर हैं। आगे बढ़ते हैं, AP सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल AP सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ 1 फरवरी 2023 से बनाए गए। भाजपा अध्यक्ष पद पर JP नड्डा के कार्यकाल में वृद्धि। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा के इस पद पर कार्यकाल में जून 2024 तक के लिए वृद्धि की गई है। आगे बढ़ते हैं, विक्रम देव दत्त DGCA के नए महानिदेशक। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के श्री विक्रम देव दत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के नए महानिदेशक होंगे। आगे बढ़ते हैं पुरस्कार और सम्मान की ओर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा व खेल कूद के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से चुने गए 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए। पुरस्कार के तहत पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 1-1 लाख की राशि इन्हें प्रदान की गई। विजेताओं के नाम हैं अनुष्का जौली, आयु 14 वर्ष, कैटेगरी है सामाजिक सेवा, राज्य दिल्ली से संबंधित हैं। आदित्य सुरेश, आयु 16, कैटेगरी कला एवं संस्कृति, केरल राज्य से। एम गौरवी रेड्डी 17 वर्ष, कला एवं संस्कृति, तेलंगाना।
संभव मिश्रा 16 वर्ष, कला एवं संस्कृति उड़ीसा। श्रेया भट्टाचार्य 12 वर्ष, कला एवं संस्कृति असम। रोहन रामचंद्र बहीर 15 वर्ष, बहादुरी महाराष्ट्र। आदित्य प्रताप सिंह चौहान 17 वर्ष, नवाचार छत्तीसगढ़। ऋषि शिव प्रसन्ना 8 वर्ष, नवाचार कर्नाटक। सौरजीत रंजीत कुमार खैरे 10 वर्ष, खेल गुजरात। के ए मीनाक्षी 11 वर्ष, खेल आंध्र प्रदेश। हनाया निसार 16 वर्ष, खेल जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों 2023 में भारत की फिल्म आर 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 के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार, नाटू नाटू ऑस्कर हेतु भी नामित। वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में 10 जनवरी 2023 को किया गया। इन पुरस्कारों में भारत के एसएस राज मौली के द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का गोल्डन ग्लोब दिया गया। टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा वो रिहाना जैसी गायिकों के गानों को पीछे छोड़ते हुए नाटू नाटू ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय फिल्म के किसी गीत के लिए हॉलीवुड का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। चंद्र बोस के द्वारा रचित इस गीत को संगीतबद्ध किया है M.M. किरावानी ने। गाने की कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की है तथा फिल्म में से आवाज़ काल भैरव वो राहुल सिपली गुंज ने दी है। 10 जनवरी को मंच पर इस गीत के लिए गोल्डन ग्लोब ट्रॉफी संगीतकार M.M. किरावानी ने ग्रहण की। फिल्म RRR के इस गीत को ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। आगे बढ़ते हैं। खेल जगत के उत्तर प्रदेश के लक्ष्मण पुरस्कार वो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 वो 2021-22। खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन के सर्वोच्च लक्ष्मण पुरस्कार वो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से निम्नलिखित 12 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक समारोह में सम्मानित किया। पुरस्कृत खिलाड़ियों में से 5 को 2020-21 के लिए तथा 7 खिलाड़ियों को 2021-22 के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के तहत लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा के साथ तथा महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ 3.11 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती है। 2021-22 के लिए पुरस्कृत 7 खिलाड़ियों में टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाले IAS अधिकारी सुहास LY भी शामिल हैं। पुरस्कृत खिलाड़ियों की पूरी सूची है इस प्रकार। वर्ष 2020-21 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ज्योति शुक्ला हैंडबॉल कानपुर, नेहा कश्यप उशु मेरठ। लक्ष्मण पुरस्कार मोहित यादव हैंडबॉल लखनऊ, राहुल सिंह हॉकी वेटरन वर्ग वाराणसी, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती वेटरन वर्ग गाजीपुर। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 मनीषा भाटी उसु गौतम बुद्ध नगर, तरुणा शर्मा जूडो वेटरन वर्ग मेरठ। लक्ष्मण पुरस्कार मोहम्मद आरिफ हॉकी वेटरन वर्ग गोरखपुर, राधेश्याम सिंह एथलेटिक्स वेटरन वर्ग लखनऊ, सुहास LY बैडमिंटन दिव्यांग जन वर्ग IAS, विवेक चिकारा तीरंदाजी दिव्यांग जन वर्ग मेरठ, दीपेंद्र सिंह शूटिंग दिव्यांग जन वर्ग संभल। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में झांकियों के लिए पुरस्कार। नई दिल्ली में वर्ष 2023 की गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियां शामिल थी। निर्णायक मंडल की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित झांकियों के लिए पुरस्कारों का वितरण रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में किया। राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों की 17 झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मानस खंड थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी के लिए दिया गया। 3.5 शक्तिपीठ व नारी शक्ति को दर्शाने वाली महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा
तथा अयोध्या दीपोत्सव को दर्शाने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा पुरस्कार इस श्रृंखला में दिया गया। मंत्रालयों एवं विभागों की श्रेणी में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स थीम पर आधारित जनजातीय मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। इस श्रेणी में विशेष पुरस्कार CPW की जैव विविधता संरक्षण पर आधारित झांकी के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र 2023 सेना व अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों जवानों के लिए बहादुरी पुरस्कारों व अन्य सैन्य अलंकरणों की जो सूची 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में की गई है, उनमें 6 कीर्ति चक्र व 15 शौर्य चक्र शामिल हैं। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वाले बहादुरों में से 4 को तथा शौर्य चक्र से सम्मानितों में से 2 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वाले में डोगरा रेजिमेंट के मेजर शुभांग, राजपूत रेजिमेंट के नायक जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के सार्जेंट कांस्टेबल रोहित कुमार मरणोपरांत, सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल सोदी नारायण मरणोपरांत तथा हेड कांस्टेबल श्रवण कश्यप मरणोपरांत शामिल हैं। शांति काल में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है, जो युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र के तुल्य है। शांति काल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र का क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है। युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके बाद क्रमशः महावीर चक्र व वीर चक्र के स्थान है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2022। भारत के सूर्य कुमार यादव को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने क्रिकेट के क्षेत्र में वर्ष 2022 के अपने 18वें पुरस्कारों की घोषणा 28 से 30 जनवरी 2023 को दुबई स्थित अपने मुख्यालय में की। इनमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का पुरस्कार भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया। महिला क्रिकेटरों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की रॉशेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी इंग्लैंड की नताली रूथ स्कीवर को तथा पुरुष क्रिकेटरों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की गैरी सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के बाबर आजम को इन पुरस्कारों के तहत प्रदान की गई। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ODI क्रिकेटर के पुरस्कार भी दोनों ही वर्गों में इन्हें ही मिले। आगे बढ़ते हैं, अमर उजाला शब्द सम्मान 2022। वर्ष 2022 के अमर उजाला शब्द सम्मानों का वितरण नई दिल्ली में एक समारोह में 30 जनवरी 2023 को किया गया। हिंदी के प्रसिद्ध दैनिक अमर उजाला ने हिंदी साहित्य एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत योगदान 2018 से ही की थी। इन्हें शब्द सम्मान नाम दिया गया। इनमें 2 सर्वोच्च आकाशदीप सम्मानों में से एक हिंदी वो एक किसी अन्य भारतीय भाषा में सतत एवं विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए है, जिनके तहत 5-5 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। हिंदी में विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप सम्मान इस वर्ष प्रख्यात दिवंगत शेखर जोशी को तथा हिंदीतर भाषाओं में यह ओड़िया साहित्यकार प्रतिभा राय को दिया गया है। अमेरिका की आर बॉनी गैब्रियल वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स। वर्ष 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का फाइनल दौर अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑर्लियंस शहर में 14 जनवरी 2023 को हुआ। इसका खिताब अमेरिका की 28 वर्षीय आर बॉनी गैब्रियल ने जीता। यह 9वां अवसर है जब मिस यूनिवर्स का ताज किसी अमरीकी सुंदरी ने जीता है, साथ ही 10 वर्ष के अंतराल के बाद यह ताज किसी अमरीकी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2023 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कारों की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2023 को नेताजी की जयंती पर की गई। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से दिया गया।
संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के तहत 51 लाख तथा व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, पद्म अलंकरण 2023। कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 106 पद्म अलंकरणों, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री भी आते हैं, उनकी घोषणा जनवरी 2023 में देश के 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति में की गई। इसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण व 91 पद्मश्री शामिल हैं। इनमें 3 युगल पुरस्कार शामिल हैं। युगल पुरस्कार के तहत 2 लोगों को एक साथ दिए जाने के बावजूद इसे एक ही पुरस्कार गिना जाता है। पुरस्कारों में 19 महिलाएं हैं, पुरस्कृतों में 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल की श्रेणी के लोग इनमें शामिल हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने वालों में कई ऐसे गुमनाम नायक हैं जो गुमनाम रहते हुए समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले 6 लोगों में उत्तर प्रदेश के SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण दिया जाएगा। वहीं दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS के जनक पश्चिम बंगाल के डॉक्टर दिलीप महाल नाबिस तथा जाने माने आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी शामिल हैं। इन तीनों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। अहमदाबाद के वास्तुविद को पूर्व वर्ष 1976 में पद्मश्री तथा 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। जाने माने तबला वादक जाकिर हुसैन तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री SM कृष्ण शामिल हैं। कर्नाटक के उपन्यासकार SL भैरप्पा, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, भौतिक विज्ञानी दीपक धर, सुप्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम व सुमन कल्याणपुर तथा इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वालों में शामिल हैं। पद्मश्री से सम्मानित की गई हस्तियों में प्रसिद्ध निवेशक राकेश झुनझुनवाला मरणोपरांत, अभिनेत्री रवीना टंडन, नाटू नाटू गीत के गीतकार MM किरवानी आदि शामिल हैं। अब कुछ बात डेथ, जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका निधन हो गया उनके बारे में जानते हैं। शरद यादव, जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव का 75 वर्ष की आयु में 12 जनवरी 2023 को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। जनता दल यू की स्थापना 2013 से 2016 तक इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री यादव ने नीतीश कुमार के साथ मतभेद बढ़ने पर इस पार्टी को छोड़कर 2019 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। इस बीच लोकतांत्रिक जनता दल नाम से अपनी पार्टी का गठन भी उन्होंने किया था। बिहार की राजनीति में विशेष प्रभाव रखने वाले श्री शरद यादव की गणना समाजवादी नेताओं में होती थी। वह 7 बार लोकसभा के लिए व 3 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह व अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी वो रह चुके थे। मनदीप रॉय, कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता श्री मनदीप रॉय का 74 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में निधन हो गया। थिएटर में अपना करियर शुरू करके 500 से अधिक फिल्मों में भूमिका उन्होंने निभाई थी। अगम प्रसाद माथुर, राधा स्वामी मत के 5वें धर्म गुरु प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर दादाजी महाराज का 92 वर्ष की आयु में 25 जनवरी 2023 को आगरा में निधन हो गया। प्रमुख इतिहासकार भी रहे प्रोफेसर माथुर 2 बार आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। आगे बढ़ते हैं, चर्चित व्यक्ति, पर्सन्स इन द न्यूज़, कैप्टन शिवा चौहान, भारतीय थलसेना की फायर एंड फ्यूरी स्नाइपर्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। इस पोस्ट पर तैनात होने वाली वह पहली महिला है। इसके लिए कैप्टन शिवा चौहान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की नारी शक्ति को दर्शाते हुए हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। कुछ बातें वर्ष दिवस सप्ताह की करते हैं। जनवरी 2023, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस,
10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 21 जनवरी त्रिपुरा मेघालय व मणिपुर के स्थापना दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, 25 जनवरी हिमाचल दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी विध्वंस के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस, 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। कुछ बातें पुस्तकें की भी करते हैं। स्पीयर आत्मकथा लेखक प्रिंस हैरी द ड्यूक ऑफ सक्सेस, दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, अस्नीर गुरोवर लेखक, कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, राइटर आर श्रीधर आर कौशिक, गौतम अडानी रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, राइटर आर एन भास्कर। सम्मेलन की अगर बात करें तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में संपन्न हुआ। इस वर्ष इस अधिवेशन का थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। अधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अगर फेस्टिवल की बात करें तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023-26 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कर्नाटक में हुबली धारवाड़ में 12 से 16 जनवरी 2023 को होगा। कर्नाटक सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम वो खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित इस महोत्सव का थीम इस वर्ष विकसित युवा विकसित भारत है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022, नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव राजधानी कोहिमा के निकट की सामा में 1 से 10 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। 1 दिसंबर को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकर इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो व राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के बाद यह नागालैंड है शीर्षक से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। भारत पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर 26 जनवरी की शाम शुरू हुआ तथा आम जनता के लिए 27 से 31 जनवरी को यह खुला रहा। दुर्घटनाएं, वायुसेना के 2 विमान मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त। नेपाल में यात्री विमान दुर्घटना में सभी 72 सवारों का निधन। अगर कुछ बातें विविध की करते हैं तो भारत व मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1, भारत व फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 21, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान, विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का आयोजन 23 जनवरी 2023 को हुआ। यह व्याख्यान सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के पूर्व स्थायी सचिव और वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व संस्थान के अध्यक्ष राजदूत बिलाहारी कौशिकन के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी में भारत की भागीदारी। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक FITUR फितूर फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन स्पेन में मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी 2023 को हुआ। देश विदेश की पर्यटन से संबंधित 10,000 से अधिक कंपनियों ने अपनी भागीदारी इसमें दर्ज की। ग्वाटेमाला को इस वर्ष इस प्रदर्शनी में साझेदार देश का दर्जा दिया गया। प्रदर्शनी का थीम था सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। 5 दिन चली इस प्रदर्शनी में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया। प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का उद्घाटन स्पेन स्थित भारतीय राजदूत श्री दिनेश के पटनायक ने किया। भारतीय मंडल में विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन, योगा सत्र व बॉलीवुड नृत्य प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन अतुल्य भारत के द्वारा किया गया। प्रदर्शन में भागीदारी का समन्वय सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया।
एयरो इंडिया 2023 इंडिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया का 14वां संस्करण बेंगलुरु में यालाहंका वायुसेना स्टेशन में 13 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया। ऑटो एक्सपो 2023 ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रदर्शनी 16वां ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन 11 से 18 फरवरी 2023 को ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली में संपन्न हुआ। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब नर्मदापुरम। रेलवे में पश्चिमी मध्य रेलवे के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम जनवरी 2023 में कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इस शहर का नाम पिछले वर्ष फरवरी 2022 में ही नर्मदापुरम कर दिया गया था, अब इसके रेलवे स्टेशन का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो मित्रों, ये सारी जानकारियाँ थी जो नवीनतम समान ज्ञान मैं आप तक प्रस्तुत किया, पहुंचा पाया। ये प्रचार दर्पण पत्रिका से संकलित है और इसके लिए मैं अनेक अनेक आभार फिर से प्रचार दर्पण पत्रिका और उनकी पूरी टीम का करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और तैयारी करें, मित्रों को भी शेयर करें। तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए और अपनी तैयारी जोर शोर से कर कर अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कीजिए। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।